बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर बग्गा के मामले में सुनवाई हुई थी। पंजाब पुलिस के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि पंजाब पुलिस बग्गा को 10 मई की सुबह 12 बजे तक गिरफ्तार नहीं करेगी। बग्गा ने मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी थी। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी के विरोध में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब के संगरूर में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन किया और सिखों के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम भगवंत मान को अहंकारी करार दे दिया। अब बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक रुक गई है और इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने बग्गा के वकील से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि बग्गा के वकील ने क्या कुछ कहा। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देर रात उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में कहा कि ये अर्जेंट मैटर है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए और हमारे साथ उनके वकील इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या आपने लोगों ने पिटीशन लगाई थी और क्या उस पर सुनवाई हुई? देखिए, आज पंजाब पुलिस मोहाली की मजिस्ट्रेट कोर्ट से वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कराए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ। तो उनकी अरेस्ट को अप्रीहेंड करते हुए कि हमें लगा कि जिस तरीके से पिछली बार भी गैर कानूनी तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, पंजाब पुलिस दोबारा से उनको अरेस्ट कर सकती है। उसी अप्रीहेंशन के तहत हम हाईकोर्ट में अप्रोच किया, हम अपनी पिटीशन फाइल करी और हाईकोर्ट ने उसमें इंडल्जेंस देते हुए उनकी अरेस्ट को 10 मई तक स्टे कर दिया। लेकिन सर, मोहाली कोर्ट ने उनकी बात को माना है, वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। देखिए, वो तो मैटर ऑफ ट्रायल है, अभी चलेगा कोर्ट में क्या उसके ऊपर आता है क्या नहीं आता है। तो आपको उम्मीद है हाई कोर्ट से आपको राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, अब तक हमें हर कदम पे राहत मिलती रही है। सच्चाई के साथ हम खड़े हैं तो राहत जरूर मिलेगी। वहीं बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रीत पाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की। बग्गा की रिहाई पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है। तो वहीं दूसरी ओर भगवंत मान सरकार के मंत्री हरजोत बैस ने कहा कि अगर बग्गा जैसों ने पंजाब की अमन शांति को भंग करने की कोशिश की तो दिल्ली तो छोड़िए, हम उसे काबुल से भी उठा लाएंगे। किसी बग्गे शग्गे की गल नहीं, गल सी कि किसी तरीके नाल पंजाब दे हालात खराब कर दो, इस करके होया। पर एक भुल जान, पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी नूं मौका दिता ते असीं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करांगे। जो भी शख्स या कोई भी षडयंत्र जे पंजाब दे खिलाफ होगा उसका मुंह तोड़ जवाब देवांगे। ते अगर पंजाब की अमन शांति नूं भंग करन दी कोई मनसूबे रखदा तां दिल्ली छड़ के अगर किसी नूं काबुल तों भी चक के लैके आना पवे, पंजाब पुलिस चक के लैके आउगी। बग्गा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को शुरू हुआ बवाल जल्द शांत होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार शाम को जैसे ही मोहाली की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो लगा कि अब बग्गा की गिरफ्तारी नहीं रुक सकेगी। लेकिन देर रात वे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए जहां से उन्हें राहत मिल गई और अब सुनवाई 10 मई को होगी। फिलहाल अब इन सब से ये तो तय है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी।